तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेनिटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वजनक द्वारा प्रथम जीवाणु कोशिका की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी। तो अगर आप लोगों ने ओरिजिन पढ़ा होगा तो हम सभी जानते हैं जो प्रारंभिक पृथ्वी पर ओरिजिन हुआ था सेल का वो थी बैक्टीरिया। लेकिन इन बैक्टीरिया का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो इनका ओरिजिन हुआ था आरएनए से, क्योंकि माना जाता है कि ये आरएनए एंजाइम का फॉर्मेशन करते थे और ऐसे आरएनए को हम बोलते हैं राइबोजाइम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि एग्जाम में राइबोजाइम से आपके क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज नॉट फाउंड। तो निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता। तो हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, तीनों में डीएनए पाया जाता है, बट जो पराक्सीसोम है इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर है आपका पराक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 103 है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। तो आरएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज एंड इट्स सेलवार डिग्रेडिंग एंजाइम। तो आपको इसमें से बताना है कि मैच कराना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है उससे कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है जो इनके सेल वॉल को खत्म करता है या गलाता है। तो जैसे बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से लाइसोजाइम सीक्रेट होता है, तो ये सही है। प्लांट सेल सेलुलोज, तो हम सभी जानते हैं प्लांट सेल सेल वॉल जो होती है उसकी सेलुलोज की बनी होती है, और वो सेलुलोज सेलुलेज जो होता है सेलुलोज को डिग्रेड करता है। वही बात करें हम फंजाई की, तो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, उसे काइटिनेज डिग्रेड करता है। वही बात करें हम एल्गी की, तो एल्गी में भी सेलुलोज ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में उसके साथ मैचिंग में दिया है मिथाइलेज, तो ये गलत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, हु प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीव जंतुओं के वर्गीकरण का जो थ्री डोमेन सिस्टम था किसने दिया था। तो हम सभी जानते हैं आरएस विटिकर ने आपका फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो कार्ल ह्यूज है उन्होंने दिया था थ्री डोमेन सिस्टम। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 है, हेट्रोसिस्ट द साइट ऑफ। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। जो हेट्रोसिस्ट है आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे नॉस्टॉक होता है ना, बियना, तो उनमें एक ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। हम सभी जानते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं बहुत अच्छे नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जो कि प्रायः धान की खेतों और जो दलहनी फसलें हैं या इन सबों के यहाँ पाए जाते हैं। तो हेट्रोसिस का जो मेन फंक्शन है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोफास्फोराइलेशन। तो फोटोफास्फोराइलेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये नाम याद रखिए, अगर कहीं भी फास्फोराइलेशन आए तो उसका मींस एटीपी से होता है। तो फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब है कि जब लाइट के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये टॉपिक आपका है फोटोसिंथेसिस से और आंसर है आपका एटीपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 है, द रेड रस्ट ऑफ द टी प्लांट इज कॉज्ड बाय। तो चाय के पौधों का लाल किट जो रोग है वो काज होता है सिफेलोरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यह एक एल्गी है, ध्यान रखिएगा, यह एक एल्गी है जो कि पैरासाइट फॉर्म में पाया जाता है। और दूसरी चीज़, रस्ट को देखकर हम लोग सोचते हैं कि यह फंगल डिजीज है, तो याद रखिएगा जो सिफेलोरस है यह एक एल्गी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर हर साल आता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है, इन फ्यूनेरिया मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन। तो जो फ्यूनेरिया होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है कैप्सूल में, क्योंकि वहीं स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वही गैमेटोफाइट स्टेज का प्रोडक्शन करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव स्टील। तो सबसे प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना स्टील किसे कहते हैं। अगर आप स्टील पढ़े हैं तो स्टील में जो सबसे पहला टाइप होता है स्टील का वो है प्रोटो स्टील, जिसमें कि केवल जाइलम और फ्लोएम होते हैं और पिथ अब्सेंट होता है। तो सबसे जो प्रिमिटिव स्टील है वो है प्रोटो स्टील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 है, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। तो पहले मैं आपको हेट्रोस्पोरी बता दे रहा हूँ। तो हेट्रोस्पोरी उसे कहते हैं जिनमें कि दो तरह के स्पोर बनते हैं, और जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें हेट्रोस्पोरी बनते हैं, और जो जिम्नो और एनजियो हैं वो वेल डेवलप है। तो हेट्रोस्पोरी की स्टार्टिंग किससे हुई थी, टेरिडोफाइट्स हुई थी। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब है, मैंने बताया था दो तरह के स्पोर बनते हैं, और वो एक जो छोटा वाला होता है माइक्रोस्पोर, और एक बड़ा बनता है उससे बोलते हैं मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनता है और मेगास्पोर से फीमेल गैमेट बनता है। तो सेलेजनेला एक ऐसा
ट्रेडोफाइट्स है जिसमें कि हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 है, द F2 जीनोटाइपिक रेशियो इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस ऑफ PEs। तो मटर के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का जो जीनोटाइपिक अनुपात होता है वो क्या होता है। तो अगर आपने देखा होगा जब मटर का जीनोटाइपिक क्रॉस किया जाता है F2 जनरेशन में किससे क्रॉस होगा, जो हाइब्रिड टॉल होंगे उनके। तो जब क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो 1:1 का रेशियो आता है, 1 जो होता है आपका प्योर टॉल है, 1 जो है आपका प्योर ड्वार्फ है, और जो 2 आपके हैं वो हाइब्रिड टॉल है, और ये आपका जीनोटाइप रेशियो है। वही अगर हम बात करेंगे फिनोटाइप रेशियो की, वो आएगा 3:1। तो आप ये अनुवांशिक वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 है, आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन। तो जो आइसोमार्फिक मतलब समरूपी पीढ़ियों का एकांतरण किसमें पाया जाता है, तो ये है रिक्सिया जो कि एक ब्रायोफाइट्स है, इनमें आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ए वेल नोन नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन इज, तो जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन है उसका एक फॉर्म दिया हुआ है, वो है IAA जिसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। तो ये प्लांट हार्मोन्स है, और प्लांट हार्मोन्स से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप प्लांट हार्मोन्स जरूर तैयार करिए क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाई द फाइकोसाइनिन पिगमेंट। तो जो फाइकोसाइनिन पिगमेंट है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो 660 nm, जो कि आपकी रेड लाइट की पिगमेंट की सॉरी जो रेड लाइट का वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 है, एजोला इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो एजोला जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बायो फर्टिलाइजर कहलाता है। तो बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर उन्हें कहते हैं कि मतलब ऐसे पौधे जिनसे कि जो उर्वरक प्राप्त होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो आपका जो एजोला है एक विशेष प्रकार का प्लांट है जो कि फर्टिलाइजेशन मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है, ग्लैडियोलस बिलोंग टू द फैमिली। तो ग्लैडियोलस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये एरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है, जो दलहनी फसलें हैं, उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो अमोनिया होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड। तो जब एक सिंगल जीन एक से अधिक गुण प्रदर्शित करता है या दृश्य रूप प्रदर्शित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट इज मोस्ट एक्टिव। तो हरे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है सबसे अधिक किसमें होती है, तो याद रखिएगा पौधे रेड लाइट में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस करते हैं और सबसे कम करते हैं ग्रीन लाइट में, ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फीमेल गैमेटोफाइट इज एंजियोस्पर्म इज। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म होता है तो उसमें क्या होता है, वो होता है एम्ब्रियो सैक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरोक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ। तो जो पेरोक्सीसोम का संबंध किससे है, तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो उसमें एक टॉपिक है आपका फोटो रिस्पायरेशन। तो जो पेरोक्सीसोम है उसका संबंध है प्रकाश श्वसन से, क्योंकि पेरोक्सीसोम में ही प्रकाश श्वसन अर्थात फोटो रिस्पायरेशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रोटोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ। तो प्रोटोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो ट्रांसपायरेशन अर्थात वाष्पोत्सर्जन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक चीज याद रखिए, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप रेट किसी चीज को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं या मेजर करते हैं, उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, और मैं इस पे आने वाले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक बनाऊंगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो जो एफ्लाटॉक्सिन है ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक आपका पॉइजन है, एक तरह से हम कह सकते हैं बायोटॉक्सिन है जो कि क्रिएट होता है फंजाई से। तो एफ्लाटॉक्सिन की बात करेंगे, ये एंटीबायोटिक
नहीं है, जबकि आपके पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइटीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सभी एक एंटीबायोटिक है जो कि फंजाई से सिक्रीट होते हैं, और जो एफ्लाटॉक्सिन है यह एक पॉइजन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जंपिंग जीन इन मेज वॉज डिस्कवर्ड बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन किसके द्वारा खोजा गया था, तो बारबला मिकलिन टॉक के द्वारा खोजा गया था, याद रखिएगा इन्होंने मक्के में खोजा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126 है, यूग्लिना इज ए मेंबर ऑफ किंगडम। तो हम सभी जानते हैं यूग्लिना जो है प्रोटोजोआ किंगडम का एक यूनिसेलुलर एनिमल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 है, स्केटरी ऑर्गन फाउंड इन कॉकरोच इज, तो जो कॉकरोच है या तिलचट्टा है उसमें उत्सर्जी अंग पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, आप जितने भी प्रोटोजोआ से स्टार्टिंग होकर जितने भी कॉर्डेट हैं उनमें पाए जाने वाले जो उत्सर्जी अंग है सबको नोट कर दीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, जूलॉजिकल नेम ऑफ फाइलेरिया वॉर्म इज, तो जो फाइलेरिया रोग होता है तो उसका जो वॉर्म है उसका ये बॉटनिक उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, उसका जूलॉजिकल नेम है वाउचेरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 129 है, बेलेनोग्लॉसस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो बेलेनोग्लॉसस जो है आपका कॉर्डेट का एग्जांपल है, और कॉर्डेट में जो हेमी कॉर्डेट्स हैं उनका एग्जांपल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइडेरिया इज इनकरेक्ट, तो इसमें आपको सभी स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन में पढ़ा हूँ, दे एग्जिस्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 3 है, द अंडरगो मेटा जीनेसिस गिव राइज टू पॉल्प, तो आप अगर वहाँ पढ़े होंगे तो मेटा जीनेसिस होता है, मतलब ये कई फॉर्म में पाए जाते हैं, और पॉलिप मेड्यूसा ये सब स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन 1 है, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे प्रोसेस नाइडोसिस्ट इन द बॉडी, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर 2 है, दे एग्जिबिट एबिलिटी टू चेंज देयर बेसिक बॉडी फॉर्म, तो ये अपना बेसिक बॉडी फॉर्म चेंज नहीं करते, भले इनके कई रूप होते हैं लेकिन अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, ऐसा अमीबा में होता है। तो यहाँ तो नाइडेरिया की बात किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 131 है, इन ह्यूमन बींग टीनिया सोलियम इज फाउंड इन, तो टीनिया सोलियम जिसे हम बोलते हैं फीता कृमि कहाँ पाया जाता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मानव के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 132 है, लीच इज ए ब्लड सकिंग एनिमल न्यूट्रिशनली देयरफॉर लीच इज, तो जो आपका लीच की बात करें, जोक पोषण के लिए जोक जो होता है रक्त चूसने वाला जंतु है, इसलिए जोक को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेंग्यूवोरस अर्थात रक्त भोजी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 133 है, वर्टिब्रेट इज बर्ड आर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हेट्रोसियल्स, क्योंकि जो एवीस मतलब बर्ड जो होते हैं वो आपके दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, वायु में और टेरेस्ट्रियल, इसलिए है हेट्रोसियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूबॉइड बोन इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ, तो जो क्यूबॉइड बोन है किससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, तो वो मेटाटॉर्सस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 135 है, द सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू गिल्स इन फिश इज, तो जो आपके फिश है, फिश में जो ब्लड फ्लो होता है गिल्स से हार्ट तक किस सीक्वेंस में होता है, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है, पहले वो साइनस वेनस से जाता है, फिर एट्रियम में जाता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर बल्बस एट्रोसियस में आ जाता है, फिर गिल्स में जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है, इन मैमेलियन किडनी पोडोसिस्ट आर फाउंड इन, तो जो मैमेलियन की किडनी है जिसमें पोडोसिस्ट पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है ग्लोमेरुलस में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच वन ऑफ द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन मोलस्कन, तो जो मोलस्का है जिनमें कि आपका अगर आप पढ़ें तो इनमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, और जिनमें रेड ब्लड होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जिनमें ब्लू ब्लड होता है उसे में पाया जाता है हीमोसाइनिन, तो जितने भी मोलस्कन है उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हीमोसाइनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 है, एंजाइम नीडेड टू डाइजेस्ट फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल आर, तो जो एंजाइम जरूरत पड़ती है एलिमेंट्री कैनाल में भोजन को डाइजेस्ट करने की, तो वो एंजाइम है आपकी हाइड्रोलेजेस।
क्वेश्चन नंबर 139 है, इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड आर इंटरैक्ट मेनली बाय। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो उनमें जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? तो उसका राइट आंसर है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 है, एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ द जायगोट 8 to 16 सेल एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो जो क्लीवेज होता है जायगोट में, और 8 से 16 कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम बोलते हैं मारूला। तो राइट आंसर है मारूला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिजीज एड्स इज, मतलब एड्स का पूरा नाम पूछा हुआ है। तो हम सभी जानते हैं सिंपल सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन वाज गिवन बाय। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इंटरेक्शन का, किसने दिया था? तो दिया था सटन एंड बोवरी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 है, सेंट्रल डोगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी सजेस्ट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो जो सेंट्रल डोगमा, जीन एक्सप्रेशन अर्थात जीन रेगुलेशन का एक टॉपिक है, जिसमें कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सेंट्रल डोगमा का जो राइट आंसर है, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, जब भी कोई जीन कंट्रोल करना होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, डीएनए अपने मैसेज भेजता है और आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए में जैसे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है सेंट्रल डोगमा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145 है, HnRNA is converted into mRNA by process called। तो HnRNA से mRNA बनने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, स्प्लीसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन एरिथ्रोसिस्ट इज। तो जो एरिथ्रोसिस्ट है, उनमें जो ग्लाइकोलाइसिस है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। अकॉर्डिंग टू लैंडस्टीन लॉ, द पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए विल हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एग्लूटिनोजन एंड एग्लूटिनिन कॉम्बिनेशन। तो एक है लॉ, जो कि है लैंडस्टीन लॉ, इसके अनुसार जो ब्लड ग्रुप ए का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी का भी ए नहीं होगा, बीटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बीटा। तो ए जो है एग्लूटिनोजन है, और जो बीटा है वो है एग्लूटिनिन। तो ये इनके कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। आफ्टर एनालिसिस ऑफ ए डीएनए सैंपल, द मोल प्रेजेंट ऑफ बेस ए वाज फाउंड टू बी 20। फॉलोइंग द सेरगेफ रूल, द मोल प्रेजेंस ऑफ बेस सिस्टोनिन विल बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, आपको समझाता हूँ। डीएनए नमूदन का जब अध्ययन किया गया, तो ए क्षार का मोल प्रतिशत बी पाया गया। तो निम्नलिखित सरगेफ नियम के अनुसार साइटोसिन क्षार का मोल कितना होगा? तो साइटोसिन क्षार का मोल होगा 30%। अब ये 30% कैसे है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे जो एडनीन है, हम जानते हैं एडनीन जुड़ता है थायमिन से, तो एडनीन का जो प्रतिशत है वो 20, तो थायमिन का भी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20, और 20-20 कितने हो गए, 40%। वही बात करें, 60% जो बच गया वो ग्वानिन और साइटोसिन का हो गया। तो जब साइटोसिन 30% है, तो ग्वानिन कितना बचेगा, 30%। तो इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच वन ऑफ द रेडियो आइसोटोप वाज यूज टू लेबल T4 फेज डीएनए इन हर्से चेस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए जो हर्से चेस प्रयोग किया गया था, तो T4 डीएनए को जो लेबलिंग करना था, उसके लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर है फास्फोरस 32 का। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 है, इन क्वाइट कंडीशन एक्सपिरेशन इज कॉज्ड बाय। तो रिलैक्सेशन के समय जो एक्सपिरेशन होता है, वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो रिलैक्सेशन कंट्रोल होता है इंस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू।